श्री राम समर्थ दिसंबर 18। चिंता करनी ही हो तो नाम की करो। हम देखते हैं कि आज जो हमें दुखदाई लगता है वही आगे चलकर सुखदाई हो जाता है, और आज जो सुखदाई लगता है वही आगे चलकर दुख का कारण हो जाता है। तुम्हें जो सुख दुख आता है वह भगवान से ही आता है, तो दुख का कारण ही क्या है। जब तक हमें पराये का दिया दुख भगवान ने ही दिया है ऐसा नहीं लगता, तब तक हम भगवान के नहीं हुए। हमारा आधार जब छूट जाता है तब हम भगवान के नहीं हुए। हमारा आधार जब छूट जाता है तब हम घबराते हैं। अतः जो जो होता है वह राम की इच्छा से होता है ऐसा समझे। संकट भगवान लाता है तो उन्हें सहने की शक्ति भी वही देता है। हम समर्थ के होकर ऐसे क्यों डरे। जो समर्थ के हो गए हैं उन्हें परिस्थिति से डगमगाना नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष संकट से यदि मुकाबला करके निवारण किया जा सकता है तो भय का क्या कारण। मूल में जो भय नहीं है वह तुम अपने मन से उत्पन्न करते हो, इसे क्या कहा जाए। खेल की गोटी मर जाती है तो कोई उसका सुख दुख क्या मानता है। व्यवहार में भी हम वैसा ही बरते। सुख से फिदा मत हो जाओ और दुख से अस्वस्थ मत हो जाओ। ऐसी स्थिति के लिए हमारा मन शांत रहना जरूरी होता है। जब तक मैं करता हूँ ऐसी भावना होती है तब तक सुख दुख के झोंके मन को सहने पड़ते हैं। अतः कर्तापन का भाव राम को सौंप दे और देह से कर्तव्य में रहकर मन शांत रखे। हे भगवान, परिस्थिति का परिणाम मुझ पर मत होने दो। ऐसा कहे, ऐसा न कहे कि परिस्थिति को ही परिवर्तित करो। जैसे कोई जहर खून में भिद गया हो वैसे चिंता हमारे शरीर में भिद गई है। उसे ऊपर से दवा लगाने पर कुछ परिणाम नहीं होता। उसके लिए भगवान के अनुसंधान का इंजेक्शन ही चाहिए। जो दुर्गुण भगवान का विस्मरण कराने का कारण बनते हैं उन सब का संग्रह चिंता है। चिंता एक बड़ा भारी रोग है। पेट में रोग बढ़ जाता है और यदि उसी से पेट भर जाता है तो रोगी के पेट में अन्न नहीं जाता। वैसे ही जिसे बहुत चिंता होती है उसके हृदय में आनंद जा ही नहीं सकता। आखिर इस चिंता के माँ बाप कौन हैं? देह बुद्धि के कारण हमें चिंता होती है। देह बुद्धि यानी वासना, वासना और अहंकार इस चिंता के माँ बाप है। तो जब ऐसे अजीब स्वभाव के माँ बाप हो तो संतान ऐसी विचित्र होगी ही। भगवान का स्मरण करते रहने से माता और बेटी की मृत्यु साथ साथ होती है। वासना और चिंता दोनों एक साथ मरती है। सच पूछो तो एक ही प्रकार की स्थिति सदा नहीं रहती। इसलिए हमें डर लगता है जिससे चिंता निर्माण होती है। चिंता जितना हमें मारती है नाम उतना ही हमें तारता है। फिर भी हम चिंता को पकड़े रखते हैं तो इसे क्या कहे। ऐसा समझे कि हमारा जितना समय चिंता में जाता है उतना हमारा समय व्यर्थ गया। चिंता करनी ही हो तो अनुसंधान कैसे टिकेगा इसकी करो। आज का मुख्य विचार, नाम की चिंता करो फिर चिंता करने की बारी ही नहीं आएगी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.